मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि सीएम के विधानसभा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन रोकने गए आरक्षक पर रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्राली चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे उनकी दोनों टांगों में गंभीर चोटें आई हैं। माफिया के हमले में घायल आरक्षक को होशंगाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इलाके में रेत माफियाओं का इतना आतंक है कि वो पुलिस वाले तक को कुचलने का दुस्साहस कर रहे हैं। सीहोर के रेहटी में सलकनपुर चौकी के अंबाली घाट जहाजपुर रेत खदान पर देर रात को 3 ट्रैक्टरों से अवैध रूप से रेत भरकर ले जाई जा रही थी। सूचना पर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ रेत खदान पर गए, जहां आरक्षक धर्मेंद्र यादव ने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया, जिससे नाराज रेत माफिया ने उसे धक्का देकर उनके ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे उनकी टांगों में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें होशंगाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर मैंने रोका, वे स्पीड में तेजी से आया और मेरे को, मैं ट्रैक्टर के पास पहुंचा, मेरे को धक्का दिया और मैं गिर गया और ट्रैक्टर चला गया। मामले में बुधनी एसडीओपी एसएस पटेल ने भी बताया कि सलकनपुर चौकी पर सूचना प्राप्त हुई थी, जहाजपुर रेत खदान पर अवैध रेत परिवहन हो रहा है। सूचना पर चौकी प्रभारी अपने स्टाफ के साथ रेत खदान पहुंचे थे। आरक्षक धर्मेंद्र ने रेत माफिया को रोकने का प्रयास किया, जिस पर ट्रैक्टर चालक ने उसे धक्का दे दिया और ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। डॉक्टरों ने बताया कि आरक्षक का ऑपरेशन होगा। इस मामले में आरोपियों को पकड़ने टीम लगाई गई है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आरोपी दीपक दायमा और उसका भाई विनय दायमा माकोड़िया के रहने वाले हैं। आरक्षक धर्मेंद्र यादव नर्मदा हॉस्पिटल में भर्ती हैं होशंगाबाद में। उसने बताया कि उसको टक्कर लगी है और उसका एक पैर में फ्रैक्चर है और उसको वहां पर भर्ती किया गया है। दोनों ट्रैक्टर पकड़ लिए गए हैं, एक व्यक्ति भी हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ अभी जारी है। विगत रात्रि झलकापुर चौकी की सूचना प्राप्त हुई थी कि जहाजपुरा खदान में अवैध रेत परिवहन हो रहा है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ चल रही हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी राजू माखोड़ अपने स्टाफ के साथ जहाजपुरा गए थे और उन्होंने देखा कि ये ट्रैक्टर एक भगाती हुई तेज रेत जिस पर रेत भरी हुई थी और भगाती हुई ले जा रहा है, तो हमारे आरक्षक धर्मेंद्र ने उसको रोकने की कोशिश की ट्रैक्टर को, तो वो ट्रैक्टर नहीं रुका और उसको डैश मारते हुए और भाग गया धक्का देते हुए। तो हमारे जो आरक्षक धर्मेंद्र है उसको जांग में गंभीर चोट आई है, फ्रैक्चर है, वो अभी मीना अस्पताल होशंगाबाद में इलाज के लिए भर्ती है। वो अब स्वस्थ है पूरी तरह से और उसका डॉक्टर साहब ने बताया इसकी जो चोट है उसका ऑपरेशन होगा, बाकी उसको कोई खतरा नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।